नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आलू के पापड़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो चलिए देख लेते हैं कि इस पापड़ को मैंने कैसे बनाया है। तो ये हमने चार आलूओं को छील करके और इस तरीके से पानी में डाल दिया है। तो पानी में डालना इससे बहुत ज़रूरी है, अगर आप पानी में नहीं डालेंगे तो आपके आलू बहुत जल्दी छीलते छीलते ही काले पड़ जाएंगे। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं पानी से। तो ये हमने पानी से निकाल करके इन्हें बाहर रख लिया है और अब हमने फिर से पानी ले लिया है एक बर्तन में और हमें इन आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आप इन्हें इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आलूओं को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसे हम दो तीन पानी से धो लेंगे। जब तक ये गंदा पानी निकलेगा ना, इस तरीके से जब तक आपको धोना है कम से कम तीन पानी से इसे धोइएगा ताकि इसका जो भी स्टार्च है ना अच्छे से निकल जाए। तो हमने आलूओं को तीन पानी से धो लिया है। अब एक मिक्सी का जार लेना है और उसमें आलूओं को डाल देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको आलूओं को डाल देना है और अब हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी। ये छोटा वाला कप है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है। ये आलूओं को पीस लेंगे। आलूओं को पीसने के बाद छान लेना है, तो इसे आपको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बिल्कुल इसका स्मूथ पेस्ट चाहिए। इस तरीके से ये जो गठाने हैं ये हमें नहीं चाहिए। तो आलूओं को छानने के बाद हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो हमें ऐसे नहीं डालना है, हमें इस तरीके से माप करके डालना है। तो जिस कप से हमने पानी मापा था उसी कप से हम आलूओं के पेस्ट को माप लेंगे। और ये आधा यानी 3.5 कप है और अब हमें इसमें पानी डालना है। 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसमें आपको डालना है स्वाद के अनुसार नमक। ये देख लीजिए, ये हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, ना ही नमक डाला है और ना ही कुछ डाला है। नमक कम ही डालिएगा क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक फिर ज़्यादा लगने लग जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही कम पापड़ खांड। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। और अगर आपके पास पापड़ खांड नहीं है तो इसकी जगह आप मीठा सोडा का यूज कर सकती हैं। पहले हमारी मम्मी लोग मीठा सोडा ही डालती थी और ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे 3-4 मिनट और पकाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी आलू अच्छी तरीके से पक चुकी है और इस तरीके से हो रही है। तो एक मैं आपको फैला करके दिखा देती हूँ प्लेट में। ये देखिए, इस तरीके से हो रही है। तब आप मान लीजिए कि हमारी आलू अच्छी तरीके से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसमें और मैं कुछ भी नहीं मिला रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स। तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं छत में फैलाने के लिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने एक मोटी पन्नी बिछा ली है और अब हम इसे तेल से ग्रीसिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से पूरे में तेल लगा लेना है और पन्नी थोड़ी सी मोटी ही रखिएगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमें पापड़ को फैला देना है। तो चलिए हम सारी पापड़ को फैला देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आलू की पापड़ सूख करके तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। और कितनी पतली बनी है, बिल्कुल ये देखिए उंगली बिल्कुल नज़र आ रही होगी आपको। कुछ पापड़ हमारी ये इस तरीके से काली पड़ गई हैं, शायद हमने बहुत ज़्यादा पतला इनको फैलाया था इसलिए काली पड़ गई हैं, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक तल करके दिखा देती हूँ। हीट आने लग गई है, तेल हमारा गर्म हो गया है। एक पापड़ डाल करके हम चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया तेल हमारा गर्म हुआ है।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी पापड़ को हमने इस तरीके से तल लिया है। अब आपको एक तोड़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, और बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही नरम है, ये आप देख सकते हैं। तो एक बार आप इन पापड़ों को ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके और फिर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।